नजरन कुछ हादसा ज़िंदगी बदल देते हैं खसूस ऐसे हादसा जो इंसान को मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में मुबला कर दें वो खौफनाक लम्हे इंसान चाह कर भी नहीं भूल सकता और हमेशा इन लम्हों की याद सनसनी सी दौड़ा देती है शोबिस के कुछ हस्तियाँ ऐसी भी हैं जिनको अपनी ज़िंदगी में ऐसे हादसा का सामना करना पड़ा जिसके सबब वो मौत के मुँह से वापस लौटे और ज़िंदगी के ये लम्हत हमेशा के लिए उनकी यादाश्त का हिस्सा बन गए सबसे पहले हम बात करेंगे हमायों सईद के बारे में हमायों सईद का शुमार पाकिस्तान के सफ़े अवल के अदाकारों में होता है किस्मत की देवी इन पर मेहरबान है और इज्जत दौलत और शहरत के झूलों में झूलने वाले हमायों सईद 2016 में एक बहुत बड़ी मुश्किल का शिकार हो गए थे जिसकी याद आज भी उन्हें खौफजदा कर देती है दो में थाईलैंड में शूटिंग के लिए खूबसूरत जगहों की तलाश में निकले हमायों सईद की गाड़ी की एक डबल डेकर के साथ हो गई जिसके हमारे सईद को काफी चोटें भी आईं इसके बाद हम बात करेंगे आयशा उमर की हम सबकी जानी पहचानी आयशा उमर जिनको ज्यादातर लोग ड्रामे बुलबले की खूबसूरत के नाम से जानते हैं हर दौर में लोगों की बेपनाह मोहब्बतें और दुआएं समेटती रही हैं मगर 2015 में इस वक्त एक बड़ी मुश्किल का शिकार हो गई थी जब हाईवे पर उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हुई हादसे के दौरान उनके साथ उनके साथी ही अदा अजफर रहमान भी मौजूद थे हादसे के नतीजे में दोनों अदाकारों को काफी चोटें आईं यहाँ तक कि आयशा उमर की कॉलर बूंद दो टुकड़ों में तकसीम हो गई और उन्हें काफी अरसे तक बिस्तर पर ही रहना पड़ा था ये वाक्य याद आने पर आज भी आयशा बच जाने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती है जवेरिया बासी जिनको लोग काफी अरसे से देख रहे हैं साल दो हजार नतीजे में जवेरिया नासिर बुरी जख्मी हो गई बल्कि इस वजह से उनकी कई हड्डियां टूट गई थी और सेहत याबी के इस सफर को तय करने और अपने पैरों पर खड़े होने के लिए जवेरिया को कई किस्म के ऑपरेशन ऐसी गुजरना पड़ा और बिलाखिर वो सेहतमंदी की मंजिल हासिल कर सकी इसके बाद हम बात करेंगे हरीम फारूक के बारे में हरीम फारूकों में बदल कर रख दिया और अब भी जब उनको यह हादसा याद आता है तो वो खौफ जदा हो जाती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मोमल खालिद के बारे में मोमल खालिद का नाम अगरचे शोबिस के लिए एक नाम है मगर उनकी जिंदगी में भी ऐसा हादसा गुजरा है जिसने उनकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। के को हाँ। के उनके इस हादसे के नतीजे में जिंदगी की बाजी हार गए इसके बाद हम बात करेंगे बाबर खान के बारे में बाबर खान की जिंदगी भी ऐसे ही से दो चार हुई जिसने उनकी जिंदगी को बदल कर रख दिया तफसी के मुताबिक वो और उनकी अहलिया सना खान एक शूटिंग के बाद हैदराबाद से कराची जा रहे थे उनकी गाड़ी को एक खतरनाक हादसा पेश आया जिसके सब उनकी बीवी सना खान तो मौके पर ही हलाक हो गई और बाबर खान एक तवील अरसे तक इस सदमे से दो चार रहे और डिप्रेशन के मरीज बन गए